डोमिनोज है, कुछ खाने पीने, उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे। जब घूमते फिर जब घूमने निकलने वाले हैं, कल का ब्लॉग हमने डाल दिया है, आप लोग ने देख लिया होगा। ये दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो आप भी बने रहिए इस ब्लॉग में और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद खाने पीने के टाइम पर। लुक एट दिस पंडाल, कितना खूबसूरत बनाया है ये। ये सीन हो रहा है सिंदूर रखने वाला। पोला है, पोला सिंदूर है। हाँ हाँ, लाल पोला नहीं पहनते अभी पोला। ये भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले कि भीड़ एक ऊपर एक चढ़ जाए, हम लोग निकलते हैं। दर्शन हो चुका है माता का। और ये जो फोटो यहाँ पे बिक रहा है, ये इसी मंदिर की जो माता है ओरिजिनल, उनका फोटो है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। यहाँ पे जैसे कि दर्शन करने के लिए जो आया है, मन्नत मांगने के लिए जो आया है, वो यहाँ से फोटो भी लेके जा सकता है। अभी हम लोगों का घूमना फिरना हो चुका है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो चोरों की भूख लगी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि डोमिनोज में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था, तो हम लोग आ चुके हैं अपना पेट भरने के लिए। तो सबसे पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं घर आ गई हूँ और अभी चल रही है माँ के हाथों की चम्पी, और मच्छे से माँ चम्पी कर रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं अच्छे से चम्पी करवा के सो जाने वाली हूँ, भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। कंटिन्यू बैक टू बैक पूजा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। तो अभी मैं रखती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग भी सो जाइए, मिलते हैं कल सुबह, बाय। Give me a little bit.
को लेके आई हूँ डोमिनोज में मम्मी को पिज्ज़ा खिलाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने आज तक पिज्ज़ा नहीं खाया है। जी हाँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मम्मी को कैसा लगेगा टेस्ट। तो मैं मम्मी को लेके आई हुई हूँ, देखती हूँ कि उसको टेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली जानते ही हैं कि मम्मी को ये सब टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो देखते हैं, ट्राई करती है तो कैसा लगता है। चुका है और मम्मी के चेहरे पे आप खुशी देख रहे होंगे कि आज पहली बार मैं मम्मा को पिज्ज़ा खिलाने वाली हूँ। तो इसकी कोई बात ही नहीं डाली है। तो देखते हैं मम्मी को टेस्ट कैसा लगता है, आपको भी दिखाएंगे रिव्यू मम्मी का। और ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो जो पनीर स्टफ्ड ब्रेड होता है वो भी ऑर्डर किया था। और मम्मी पहली बार ट्राई कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मम्मी को ये पहली बार ट्राई कराते हुए। और मम्मी के चेहरे की स्माइल देख के तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये प्राइसलेस है। इसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं लगा सकता कि क्या है क्या नहीं है। सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब आपके मम्मी पापा खुश होते हैं आपके किसी काम से। और ये पल वही था कि मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मम्मी को टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा को ऐसे ही कुछ ट्रीट दीजिए और इन्हें खुश रखिए। माँ ने तो पिज़्ज़ा खा लिया, अब घर पे बच्चे हैं उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए भी पिज़्ज़ा लेके आई। और मेरा बेटा तो पता ही आपको कि पिज़्ज़ा को लेकर कितना ज़्यादा पागल रहता है, तो उन लोगों ने भी अपना पिज़्ज़ा इन्जॉय किया और ये मुँह बना बना के दिखा रहा था कैमरे की तरफ। आप देखिए इसका एक्सप्रेशन। सुबह सुबह मम्मी मुझे रुलाने वाला काम दे दिए है, बोल रही है प्याज का पकौड़ा बनेगा सबके लिए, तो प्याज काटो। और ये प्याज इतना ज़्यादा आग में लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अपना काम कर दिया है प्याज काटने का, मम्मी इसको फ्राई करेगी। पापा का नाइट ड्यूटी था तो पापा आ चुके हैं और उन्होंने बोला कि पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, तो प्याज का पकौड़ा बनाया जाए। तो मम्मी ने बोला कि तब तक तुम प्याज काटो, उधर बड़ी बना रही थी। तो मम्मी ने बोला कि इधर प्याज काट दो। भाई साहब, प्याज जो लग रही थी आँख में कि आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा प्याज लगने वाली है, पता नहीं कैसा प्याज है ये। तो मम्मी भी पकौड़ा फ्राई करेगी और हम लोग गर्मा गर्म पकौड़ा खाएंगे। और क्या, मम्मी के पास है तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है ना, यही तो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती है। खुद से बनाओ, खुद से खाओ, यहाँ है कि मम्मी बना के देती है तो आराम से खाओ। चलिए आपको दिखाते हैं फ्राई करना। और ये हमारा पकौड़ा रेडी हो चुका है बनना, मम्मी डाल रही है और मैं यहाँ चला रही हूँ। देखिए एकदम गर्मा गर्म, आप भी लोग आजिए प्याज का पकौड़ा खाने के लिए। बहुत दिनों के बाद लहसुन प्याज घर में स्टार्ट हुआ है बनना। पूजा की वजह से सब बंद था, छठ पूजा दीपावली सब बंद था उसके पहले से ही, तो आज पकौड़ा खाने को मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग खाते हैं, ठीक है, और आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और खाइए, क्योंकि यहाँ से तो मैं भेज नहीं सकती।